सो गाइस, जैसे कि एल्विशा फैंस एल्विश यादव को स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था और एल्विश यादव ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा फैंडम हो जिसमें एल्विश यादव का नाम किसी और के साथ जोड़ा जाए। और एल्विश यादव ने अपनी तरफ से इस चीज के ऊपर प्रॉपर रिप्लाई भी किया था कि उनको एल्विशा फैंस से कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही एल्विश यादव का नाम मनीषा रानी के साथ लिंक अप किया जाए। और गाइस, इसी कारण से एल्विश यादव को एल्विशा फैंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट भी मिला था। एंड वहीं दूसरी तरफ एल्विशा फैंस कीर्ति मेहरा को भी हेट देने लग गए थे। सो गाइस, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर कीर्ति मेहरा ने अपने आज के ब्लॉग में रिप्लाई किया एंड उन्होंने कहा है कि उनको एल्विशा फैन से कोई भी दिक्कत नहीं है, अब किसी के नाम के साथ भी किसी का नाम भी जोड़ो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बाकी इस चीज के ऊपर कीर्ति मेहरा ने प्रॉपर रिप्लाई करते हुए क्या कहा है आप लोग खुद देखिए। एल्विशा वाली ऑडियंस, देखो मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका नाम किस लड़की के साथ जोड़ रहे हो, किस लड़की के साथ नहीं जोड़ रहे। जोड़ो या ना जोड़ो, अगर किसी को कंफर्टेबल है तो आप जोड़ो, किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत जोड़ो। मैं उस चीज में घुसी कभी ना, मेरे को घुसना, मैंने कभी कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोला उस बॉन्ड पे या फिर उस किसी भी स्पेसिफिक हैशटैग पे, कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। आई स्वेयर ऑन माई गॉड, आई स्वेयर ऑन माई फादर, मैंने जितने भी मेरे वाले फैन पेजेस हैं उन सारे फैन पेजेस को बोला कि भाई मनीषा रानी की ऑडियंस को या मनीषा रानी को अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने खुद एडिट्स या मैंने खुद ही स्टोरीज हटवाएं, मेरे में इतनी डिग्निटी है कि मैं बिना बात के हेट किसी को दिलवाने की कोशिश ना करूं। मैंने मनीषा की ऑडियंस मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, जो कि अच्छी बात भी है। मनीषा रानी मेरे को नहीं जानते, मैं उनको बीबी के बाद जानना चालू किया है, तो हम दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों का आपस में कोई। सो बाकी गाइस, यहाँ पर आप लोग कीर्ति मेहरा और एल्विश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर से बता देना। और गाइस, यहाँ पर आप लोग एल्विशा फैंडम के बारे में भी क्या क्या कहना चाहोगे अपने ओपिनियन नीचे कमेंट से जरूर बता देना। एंड गाइस, अभी के लिए बस इतना अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूले।